मामला देपालपुर तहसील के ग्राम नेवरी चटवाड़ा का है, जहां दबंगों पर आरोप है कि उन्होंने दलित का शव अपने शमशान में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। इस मामले में शुक्रवार को संभाग आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। कुछ दिन पूर्व देपालपुर तहसील के ग्राम नेवरी चटवाड़ा में दलित महिला कमलाबाई की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसकी शव यात्रा को ग्राम चटवाड़ा में ही सार्वजनिक शमशान में रोक दिया गया। जातिवादी मानसिकता के कारण शव यात्रा को रास्ते में ही रोक कर देपालपुर शव जलाने के लिए वापस भेज दिया गया, जिस पर काफी बवाल हुआ। परमार ने बताया कि इस दौरान पुलिस प्रशासन मौन खड़ा था। तहसीलदार और एसडीएम प्रतुल सिन्हा ने भी दलितों को शव जलाने से मना किया। मजबूरन भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शव को लेकर गांव से सटे मेन रोड पर धरना देने बैठ गए। शुक्रवार को परमार की अगुवाई में एक बार इस मामले में दलित समाज ने मोर्चा खोल दिया है और संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। राज्यपाल के नाम ज्ञापित ज्ञापन दिया गया। पिछले दिनों जो गांव चटवाड़ा देपालपुर में एक दलित महिला की मृत्यु के उपरांत हमारे को जो है अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, इस हेतु हमने आज जो है यहां पे जंगी प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया और हमने मांग करी कि मध्य प्रदेश के अधिकांश ऐसे ग्रामीण अंचल है, 70% से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर हमारे लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव बरकरार आज ही आजादी के 73 साल बाद जारी है। हमारे लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, बारात नहीं निकालने देते, यहाँ तक कि सरकारी कुएं से पानी नहीं भरने देते, यहाँ तक कि दाढ़ी कटिंग भी नहीं बनाने देते, शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने देते। तो ये जो कुछ लोग जो संपन्न हो गए वो मानसिक रूप से गरीब हैं, वो उनका यूं कहना पड़ता है कि हमारा निजी शमशान है। इसका अर्थ क्या होता है कि शमशान का निजीकरण, तो हमने यहाँ पर कहकर यहाँ आवेदन दिया है कि भाई शमशान का निजीकरण समाप्त हो, प्रत्येक राजस्व ग्राम में सार्वजनिक शमशान बनाया जाए जिससे हमारे लोगों को असुविधा न हो, हमारे लोगों के शव का अपमान नहीं होना चाहिए। सूची भी दी गई है, हमने गांव की लगभग 50 से अधिक गांवों की सूची दी है जो संज्ञान मात्र है। ऐसे सैकड़ों गांव है जहां पर हमारे लोगों को आज भी अंतिम संस्कार नहीं करने देते, दाह संस्कार नहीं करने देते और हमारे लोगों के साथ में छुआछूत भेदभाव बरकरार जारी है, उनका ऊपर अत्याचार और शोषण उनका बरकरार आज तक जारी है। पूर्व में आपको जान से मारने की धमकी के लेकर बिल्कुल ज्ञापन दिया गया था, उसको लेकर बिल्कुल हमारे लगातार हम जब समाज में रूढ़िवादिता जो है, कुरीतियां है, इसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो साजापुर के गांजा गांव में हम पे पथरा हुआ, ऐनाबाद सोनकच में हम पे पथरा हुआ, पीपलरामा में पथरा हुआ, औरंगपुरा में पथरा हुआ। इस बात को देखते हुए अभी हमने 9 घंटे शव को लेकर, दलित के शव को 9 घंटे लगातार बारिश में हम खड़े रहे किंतु कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। हजारों लोग हमारे सामने हथियार लेकर खड़े हुए थे हमें मारने के लिए, हम वहां पर भी असफल होकर लौटे। हम लोकतंत्र का कैसा जीवन जी रहे हैं, यहां पर हमारे को न्याय की उम्मीद लगभग सी ना के बराबर हो गई है। हम निराश्रित सा महसूस करते हैं, हम व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और हमारे दुख को यहाँ पर हम बताने आए हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक and you can also follow us on Instagram.